Listed against my name is today's list of business. Dhanyabad. Item number 15. Mananiya Griha Mantri ji. महोदय नित्यानंद राय जी, मैं माननीय अमित शाह जी की तरफ से उनकी अनुमति से महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले एक विधेयक का एक एक प्रोफेसर स्वागत रहे सर अंडर रूल 72(1) ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर आई बेग टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फर्दर टू अमेंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सर यस्टरडे द सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट एज अपहेल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Now the main question remains when elections will be held in Jammu and Kashmir. Yesterday Supreme Court has said that elections must be held within September 2024. All I want to say this Kashmir Reorganization Act is meant to give reservation to women in Jammu and Kashmir Legislative Assembly. So unless the elections are announced by the election commission, there is no hurry to pass this act of reserving seats in the Jammu Kashmir legislature. That's why I want this act to be opposed. Reply के समय इनका सारी बात है। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ हाँ वालों के पक्ष में हुआ माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तापित करें विधेयक को प्रस्तापित आइटम नंबर 16 महोदय मैं माननीय अमित शाह जी की तरफ से प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाए प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ हाँ वालों के पक्ष में हुआ माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तापित करें मैं माननीय अमित शाह जी की तरफ माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से मैं इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करता हूं नाउ वी टेक अप जीरो आवर डॉक्टर उमेश